एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज देखते हैं इस रीडिंग में अगले 72 घंटों के अंदर क्या आपकी लव लाइफ में कोई चमत्कार एक्सपेक्टेड है, कोई मिरेकल कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। सो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। ऐसा क्या होगा एंजल्स लव लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मिरेकल, क्या ऐसा कुछ होगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो सडन होगा। यूनियन की एनर्जी आ गई, पहला ही कार्ड यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड यूनियंस नज़र आ रहे हैं। और बताएं एंजल्स, क्या कोई चमत्कार एक्सपेक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट, ठीक है। क्या होगा अनएक्सपेक्टेड सडनली, कुछ मिरेकल्स कमिंग 72 आवर्स में। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो है टू ऑफ कप्स की। अगर आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, आपको उम्मीद ही नहीं है कि आपका पर्सन बातचीत करेगी या करेगा, सडनली हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दें, सडनली हो सकता है वो आपकी स्टोरी पर रिप्लाई कर दें या आपके स्टेटस पर रिप्लाई कर दें या आपको सामने से वीडियो कॉल या कॉल कर दें, कोई ना कोई जेस्चर आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है जो कि आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। कुछ लोगों की लव लाइफ में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर कोई आपको प्रपोज कर सकता है या आपके जहाँ पर भी आप जाते हैं, काम करते हैं या पढ़ते हैं, कॉलेज में हैं, कोई ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कहीं ना कहीं से कोई जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। और ये मिरेकल ऐसा होगा जैसे उस बंदे को या उस बंदी को आप भी स्पाई कर रहे थे। एक तरह से पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपकी नज़र भी उसी बंदे पर थी या उसी बंदी पर थी और उसकी तरफ से ही आपको कोई मैसेज या जेस्चर रिसीव हो जाए। तो कुछ लोगों के साथ ये भी चीज़ें होंगी। कुछ लोगों को सडनली ऐसा भी फील होगा कि आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है और सडनली उनका कॉल या मैसेज आपके सामने आ जाएगा या उनका नाम आपको नज़र आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको नज़र आ जाएगी, जिससे आपको ये कन्फर्मेशन मिलेगी कि हाँ, जिस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो भी आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है। कुछ लोगों के लाइफ में एक और चमत्कार नज़र आ रहा है, जिन लोगों के कारण या जिस रीज़न से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं वो रीज़न्स एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच से वो रीज़न ही एंड हो जाएगा जिस रीज़न के कारण आप दोनों अलग हुए थे, सेपरेशन हुआ था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई थी। इसके अलावा एक और मिरेकल, आपके लाइफ में अगर कोई बोझ है, कोई बर्डन है या आपके पर्सन की लाइफ में कोई बर्डन है या कोई प्रेशर है, वहाँ से आपके पर्सन बाहर निकल जाएंगे या आप उन सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे, उस प्रेशर से बाहर निकल जाओगे जो प्रेशर आपके लव लाइफ को ख़राब कर रहा था। सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज हैं। एक और मिरेकल आपके साथ हो सकता है, कुछ लोगों के साथ आपको सडनली किसी साधु, किसी महात्मा, किसी प्रकांड विद्वान से कोई ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती है आपकी लव लाइफ को लेकर, या आपके पर्सन से रिलेटेड कोई आशीर्वाद आपको रिसीव हो सकता है। तो ये थी गाइस कोई ऐसी मिरेकल अगर आपके साथ होती है इस रीडिंग को देखने के बाद, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।